पांच के पीछे लगा ले बस यही खड़े। अरे हाँ बजने दो आगे। वो वही खड़े रहेंगे, अभी जो जहां खड़े हैं वो वही खड़े रहेंगे। हमारे बीच में आप सबके लाड़ ले लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप सिंह जी हुजर साहब कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में। स्वागत के लिए हर वार्ड से पंचायतों से गरीब वाले से पधारे आपका अभिनंदन करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे स्वागत का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर विराजित हमारे सभी आशीर्वादाता, हमारे सभी पदाधिकारीगण, समाज जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी हमारे मायवी साथी, आज सुबह से ही आप लोग निकले हैं तो निश्चित रूप से बहुत जोर से लग रही होगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इतने कहना चाहता हूँ, जब मैंने अपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करी तो मैंने शुरू से ही लोगों के सुख दुख में कर उनकी समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करा। विधायक बनने बाद तो 30 साल का पहले का विधायक, 93 का पहले का विधायक और नागदा खाचो जो ग्रामीण क्षेत्र कैसा था ये आप लोग देख लेंगे सुनेंगे तो आपको पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहना चाहता, मेरा आपके हर सुख दुख में आप सबने हर गांव में सम्मिलित जाके सम्मिलित हुआ हूँ, नगर में सम्मिलित हुआ हूँ और आपके हर समस्याओं के लिए मैंने हर कदम पे आवाज़ उठाई, चाहे किसान की आवाज़ हो, चाहे विद्यार्थियों की आवाज़ हो, चाहे मजदूरों की आवाज़ हो, चाहे व्यापारी वर्ग की आवाज़ हो, चाहे आम नागरिकों की आवाज़ हो या जन समस्या हो, लगातार प्रयास करके आज हमारी स्थिति ऐसी है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां प्रधानमंत्री या PWD की सड़क नहीं है, एक भी गांव में ऐसा नहीं है जहां पाकिस्तान नहीं है, पानी की टंकियां भरी है। हमने देखो पेयजल नर्मदा गंभीर परियोजना चालू कर दी है, वो 3 साल के अंदर आपके गांव में पानी मिलेगा। ये हमने योजना हमने आप लोगों के लिए बना दी है, उसके टेंडर भी हो चुके हैं, दिल्ली बिल्ड का उनको टेंडर भी अलर्ट हो गए हैं, सर्वे का काम भी चालू हो चुका है। आप जिस प्रकार शहर में शहर की जनता पानी पी, ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी प्रतिदिन पानी पिएगी, ये हमारी सोच थी। गांव में DPA की व्यवस्था मुझे अभी 1 घंटे और लगने वाली है, जिससे कि आपके वोल्टेज की समस्या भी आ जाएगी, जिससे आप पर्याप्त मात्रा में मिले। हमारा पूरा ध्यान पहले स्कूल भी नहीं थे, उसके लिए भी हमने गांव में स्कूल खुला है, आंगनबाड़ी नागदा नगर में आंगनबाड़ी नहीं थी, सब दूर जाना और जिम की आवश्यकता थी, हम सबकी व्यवस्था को हमने करा। नागदा की बात करें हम नाग में तहसील भवन को बनाया, SDL बनाया, न्यायालय खुलवाया, हमने HDA कोर्ट खुलवाया, हमने नागदा को अब जिला बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये प्रदेश के एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, शिवराज सिंह चौहान आके घोषणा करते हैं कि दिल्ली गुजर तो दिल्ली जिले की नौटंकी करता है। एरा के अंदर उसके वर्षा ने पत्रकारों ने पूछा था कि अब नौटंकी करता है, तो हमने उनको विधानसभा दिया था मीडिया के माध्यम से, देखो आपका विधानसभा आपने और आपके राष्ट्रपति ने जवाब दिया हमको और नागदा का परीक्षण कराएंगे, तो ये नौटंकी कहाँ हो गई। चलो ठीक है, फिर आपने चुनाव में आए तो कहा कि हमारा विधायक तो हम आपको देंगे, वो जिला भी आपको जिले के लिए आपकी नागदा की जनता ने आपको एक भरपूर समर्थन दिया, परंतु 5 साल आपने नागदा को जिला नहीं बनाया। तो मैं ये बात वो फिर 18 में आए, फिर जिले की बात करी, हमारी सरकार बनी, कमलनाथ जी को हमने कहा हमने एक छोटे से कार्यकर्ता ने आपके जिला बनाने का वादा करा, उसके लिए नागदा बंद भी कराया है, कहीं आंदोलन भी करे तो आप हमारा ये हमारे कांग्रेस का चुनावी वादा उसको पूरा करो। जनवरी माह में जिले के आधे से 15 पूरे लगातार प्रक्रिया चली, 18 मार्च 2020 को जिले की मंत्रिपरिषद पास हुआ और नागदा बनाने का संकल्प और गजट नोटिफिकेशन आते थे सरकार कर गई। हमारे ये मंत्री जी शिवराज जी वापस आ गए तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 साल लगातार कुछ नहीं हुआ, फिर चुनाव आ गया, फिर जिले की उनको याद आ गई भैया नागदा जाएंगे तो नागदा जिले की जनता ने जिला नहीं बनाया तो हमको वोट नहीं देगी, फिर आके फिर घोषणा कर गए हम नागदा को जिला।
जिले की घोषणा भी जो 18 में दोहराई थी वो 23 में उन्होंने दोहराई के कहा कि जिसकी इच्छा पड़े वो मिले। तो हम मनोज चावला जी हम दोनों ने जाके तत्काल दिया कलेक्टर को प्रस्ताव पूछा, उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। गजट नोटिफिकेशन नहीं, जो नोट शीट चल रही थी कमलनाथ सरकार की उसी के आधार पर यह गजट नोटिफिकेशन हुआ। दाय आपत्ति भी समय पर निराकरण हो गए। उसको कलेक्टर उन्होंने अमान्य करते हुए सीधे परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक जी ने कहा कि वर्तमान प्रत्याशी जिले का रुकवाया है तो निश्चित रूप से गंभीर बात है। हम जिले के लिए 2008 से लड़े कर रहे, ये जनता की भावना नागदा जिला बनना चाहिए। और आप लोग देखें तो मेयर को और पादुना नागदा के बाद जिला की घोषणा करी थी, उनको उनका जिला बना दिया, हमारे जिले को ठंडे बस्ती में डाल दिए। हमारी सरकार बनेगी पहली की मीटिंग में नागदा को जिला बनाया जाएगा। ये हमें नागदा की जनता से दिलीप हम आप लोगों से वादा है, हमारा सरकार बनते से हम पहला प्रयास यही है कि नागदा जिला बने। और भी बहुत सारी समस्या है जी, आप लोग भी सोचते होंगे जिले जिले की बात ये विधायक जी क्यों करते रहते हैं। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता जिला बनेगा तो आपका कोई भी काम के लिए आपको उज्जैन नहीं जाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं महाकाल हम तो छूट जाए, महाकाल तो पूरे विश्व का सृष्टि का रचयिता, वो घर बैठे भी कहीं नहीं छूटेगा, वो उज्जैन संभाग में ही हम रहेंगे, उज्जैन कहीं जोधपुर संभाग में नहीं जा रहे, उज्जैन संभाग में हम महाकाल से हम जुड़े ही रहेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि उन्होंने कहा कि हम महाकाल लोग नहीं जाना चाहते, पर हमने उसे भी आपत्ति निराकरण करा है। एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हम नागदा को बनाएंगे। नागदा बनने से हमारा मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अन्य स्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, जिला चिकित्सालय खुलेगा, विशेषकर जिला चिकित्सालय खुलेगा। जब गंभीर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं पटना में इंदौर उज्जैन जाते हैं तो हमारे सब इलाज यही होगा। घर के तब हमारी माता बहनों को ढेरने के लिए व्यापार किया जाता है, बड़े बड़े चिकित्सक आएंगे तो यहाँ खुलेगा, कई कार्यालय खुलेगा, हमारे व्यापारों का व्यापार बढ़ेगा। व्यापारी को डराया जाता है कि उनके छापे रहेंगे, उनकी परेशान करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी अधिकारी का आहार शासन आपकी दुकानों की ओर नहीं देखेगा। अभी आप भारतीय जनता पार्टी शासन में आप लोगों ने चंदा बहुत दिया है, बहुत परेशान करे, आपके घर पे छापे भी पड़े और जोड़ तोड़ भी आए, ये सब आप लोग बता मुझे बताने के शासन कमलनाथ जी आप लोगों कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया। इस बात का निकलना हम विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस सरकार वाले एक भी अधिकारी आपके यहाँ झांकने नहीं आएगा। आप भी डर ठोक निकाल दें कि जिले से हमें नुकसान होगा, जिले से तो आपको आधार पर आधारित है। अब हम चाहेंगे कि हम तत्काल अन्य व्यवसाय की ओर बढ़े। हमारे सरकार से उन्होंने 3500 मजदूरों को उन्होंने निकाला है, क्यों निकाला है, हमने नागदा बंद भी करा और अन्य आंदोलन भी करे परंतु क्यों नहीं सुना है। ये बात ही हम सोचते समझने की है कि प्रधानमंत्री अपने जिला समूह ने 500 करोड़ रुपया चंदा दिया और उद्योग समूह बिल्ला जी का वो शीर्ष नेतृत्व में उनको दिए तो उनके खिलाफ कहा जा सकते हैं। तो आप लोग देखें मोदी जी उद्योगों के अडानी अंबानी के काम कर रहे हैं। अडानी से मुझे याद आया कि 2014 से आपकी सोयाबीन के भाव 5000 से ज़्यादा नहीं हुए, हो गए क्या बीच में, हुए क्या कभी, क्यों नहीं हुए बताया, कभी सोचा आप लोगों ने। जितने भी कारखाने अडानी जिसका राहुल गांधी बार बार नाम लेते हैं ये तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना कि नहीं सुना। और वो पूरे कारखाने सोयाबीन के कारखाने किसके है, अडानी के। तो अडानी के कारखाने तो सोयाबीन के आपके का भाव कहाँ बढ़ेंगे, जब ये लोग जाएंगे तो ही तो दूसरे कारखाने वाले आएंगे, कारखाने लगाएंगे तो गोली लगेगी तो आपके रेट बढ़ेंगे। ये मंत्र है, जब तक अडानी मोदी भारतीय जनता पार्टी आपके रेट कभी नहीं बढ़ने वाले, आपको विचार करना। आप वहाँ मजदूरी करते रहिए परंतु आपका रेट नहीं बढ़ेगा। तो एक बार पुनः आप सबको विश्वास दिलाता हूँ आपके हर गांव के हर खेत की समस्या हम हल करेंगे, हम हर खेत की सड़क बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हम
सामुदायिक भवन बनाइए और सिंचाई के साधन की विकसित करिए। जो जो हमारी योजना है वो सब योजना हम लागू करके एक नया क्षेत्र को हम डेवलप करेंगे। हम नागदा घाटी विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों मिलेंगे। एक बार पुनः सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप लोगों को विश्वास देता हूँ लोग जा नहीं पाएंगे अशोक दिलीप के घर के और क्षेत्र से उन विकास के लिए लोग अभी चुनाव लड़ने के लिए मांग रहे हैं। मैं आपका वोट जिले के लिए मांग रहा हूँ कि आप मुझे आपका वोट जिले के लिए दीजिएगा।